मैनपुरी थाना करहल पुलिस और साइबर सेल टीम ने इस गिरोह का पर्दाफाश करते हुए फर्जीवाड़ा करने वाले दो सदस्यों पंकज पुत्र राम बहादुर निवासी बल्लमपुर थाना घिरोर, जगतपाल पुत्र शिवराज सिंह निवासी नगला खंडारी थाना अराव को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 10,12,120 और 9 लाख रुपए खातों में फ्रीज और 1,12,120 नगद इको गाड़ी घटना में प्रयुक्त दो अवैध तमंचा बरामद किए हैं। शिकायतकर्ता की शिकायत के आधार पर मैनपुरी पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में टीमें गठित की गई, जिसकी कार्रवाई के चलते थाना करहल पुलिस साइबर सेल टीम ने धोखाधड़ी कर फर्जी बैनामे के नाम पर लूट करने वाले दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। पूरे मामले की जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने क्या कुछ बताया, देखिए रिपोर्ट। जनपद मैनपुरी की साइबर सेल की टीम ने और करहल पुलिस ने एक फर्जी वाड़ा करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया आज। उसके दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक महिला जो आर्मी में जिसके पति थे, उसकी विधवा थी, उससे 25 लाख रुपए लेकर एक फर्जी जमीन दिखाकर उसका बैनामा कर दिया और उसका सारा पैसा हड़प लिया। जब वो जमीन का कब्जा लेने गई तो पता लगा वो जमीन जिन्होंने उसको बेचा है उनकी है ही नहीं है। इस आधार पे थाना करहल में अभियोग दर्ज किया गया। उसमें से जो दो लोग इसमें शामिल रहे फर्जीवाड़े में जिन्होंने ये चीटिंग की है, उनको गिरफ्तार किया गया है और एक और उनके पास से करीब 1.5 लाख रुपया बरामद हुआ है और 9 लाख रुपये जो उनके खाते में थे वो भी उसको सीज किया गया है। इको गाड़ी बरामद हुई है। तो जो इसमें उस विधवा का जो पैसा गया था उसमें और बरामदगी का प्रयास किया जा रहा है। इसमें एक अभियुक्त है जो पहले भी इसी तरह के फर्जीवाड़ा में एक बार जेल जा चुका है, ये अभी तक ज्ञात हुआ है। बाकी और चीज़ें जानकारी की जा रही है इनसे और इसमें और बरामदगी का प्रयास